राजस्थान की बहुचर्चित नागौर लोकसभा सीट के लिए चुनावी दंगल तेज हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में नागौर लोकसभा की सीट हमेशा की तरह इस बार भी बेहद अहम रहने वाली है। नागवंश की राजधानी रही नागौर में 2019 में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद बने, लेकिन इस लोकसभा सीट की ऐसी फितरत रही है कि हर बार यहां से या तो जीतने वाले प्रत्याशी की पार्टी बदल जाती है या फिर खुद प्रत्याशी ही बदल जाता है। नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि बेनीवाल मिर्धा दोनों को अपनों से ही खतरा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के बयानों से ये सियासी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही अपनों से डर है कि कहीं अपने ही इन दोनों की नैया ना डुबो दे। नागौर में चुनावी हवा का रुख समझने के लिए आइए आप भी सुनिए इन दोनों नेताओं के बयान। हनुमान बेनीवाल का बयान, इस बार मेरा उस प्रत्याशी से मुकाबला है जिसकी कांग्रेस पार्टी में अंदर तक बड़ी घुसपैठ है। वहीं ज्योति मिर्धा का बयान, कोई रड़क निकालना चाहता है तो बाद में निकाल लेना, लेकिन ये चुनाव मोदी का है इसलिए सभी साथ दें। ये दोनों बयान का साफ इशारा है कि नागौर सीट पर वर्चस्व की जंग लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल दोनों को अपनों से दगा का खतरा है। यही वजह है कि दोनों कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जीत हार से आगे बात सिर मुंडवाने और दाढ़ी मूंछ कटवाने तक पहुँच चुकी है।